हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम इन सर्च मी ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट और मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट की, जो आपके डेली लाइफ के लिए या कॉर्पोरेट लाइफ के लिए ज़रूरी है जी। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है निफ्टी 50। कल जिस पॉइंट पर आके मार्केट क्लोज हुई थी वो 18,256, आज ओपन हुई है 18,117 और जो क्लोज हुई 18,069। कल के मुकाबले आज लगभग 200 पॉइंट या माने 187 पॉइंट नेगेटिव रहा। रेशो की बात करें तो 1.08%। सेंसेक्स की ओर चलें तो प्रीवियस जो पॉइंट था 61,749, ओपन हुआ है 61,472 और जो क्लोज हुआ है 61,054। कल के मुकाबले आज लगभग 700 पॉइंट नेगेटिव रहा, 695 पॉइंट और रेशो की बात करें तो 1.13% नेगेटिव रहा। तो ये थी निफ्टी और सेंसेक्स से रिलेटेड FII। अब FII का डाटा उठाते हैं तो इन्होंने जो परचेज की है 8,243 करोड़ की, जबकि सेल की है 7,465 करोड़ की। जो नेट मार्जिन निकला है वो 778 करोड़ का निकला है, जो कि पॉजिटिव है। DII की बात करें तो इन्होंने जो परचेज किया है 4,956 करोड़ का और जबकि सेल किया है 7,155 करोड़ की। जो नेट मार्जिन निकला है वो नेगेटिव निकला है 2,199 करोड़ की, किया ज़्यादा बिकवाली की है DII ने। पेट्रोल और डीजल की बात करें तो पेट्रोल 98 प्रति लीटर, डीजल 91 प्रति लीटर पर बना हुआ है। गोल्ड वर्सेज सिल्वर की बात करें, गोल्ड 55,900, सिल्वर 69,800 पर है। और LPG की बात करें, LPG है 1132 प्रति सिलेंडर। डॉलर वर्सेज रुपीज़ की बात करें तो एक डॉलर बराबर है 81.70 के बराबर। ये थे कुछ अपडेट स्टॉक मार्केट और मार्केट से रिलेटेड, होप सो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हो या कुछ टॉपिक और ऐड करना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग।